सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL देश भर में 4G सर्विस शुरू करने की तैयारियों में जुटी हुई है और अब BSNL ने किया है एक बड़ा ऐलान। BSNL के इस कदम से उसकी राइवल टेलीकॉम कंपनियां यानी कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे और आपके जैसे आम मोबाइल यूजर्स को इससे होगा तगड़ा फायदा। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि 4G सर्विस के रोल आउट से पहले भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने क्या कमाल किया है। 3 महीने पहले जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ हाइक करके लोगों को झटका दिया था, जिसके बाद लाखों यूजर्स ने BSNL का दामन थामा क्योंकि BSNL के रिचार्ज प्लान सस्ते हैं। अब BSNL की ओर से ग्राहकों को बड़ी राहत का वादा दिया जा रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट जे रवि ने कहा है कि BSNL नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य में टैरिफ नहीं बढ़ाएगी, यानी BSNL के प्रीपेड रिचार्ज और पोस्टपेड प्लान महंगे नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी चाहती ये है कि ग्राहकों को वो बनाए रखे और उनका भरोसा जीतना चाहती है और इसीलिए इस बात का ऐलान किया है। आपको याद होगा निजी क्षेत्र की 3 बड़ी दूर संचार कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जुलाई के पहले हफ्ते में 20% तक अपने टैरिफ को बढ़ाया था और इसके बाद से उनके रिचार्ज और पोस्टपेड प्लान महंगे हो गए। हालांकि चौथी कंपनी थी BSNL जिसने टैरिफ रेट नहीं बढ़ाए थे और इस वजह से जुलाई में BSNL ने 29 लाख यूजर्स जोड़े थे। इससे पहले तक BSNL करीब 2 साल से सब्सक्राइबर्स के मोर्चे पर नुकसान उठा रही थी। BSNL ने मंगलवार को 7 नई सेवाएं और कंपनी का नया लोगो भी जारी किया है और इस दौरान BSNL के MD रॉबर्ट जे रवि ने कहा कि हमें फिलहाल टैरिफ हाई की कोई जरूरत नहीं दिख रही है। कंपनी का लक्ष्य मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना है और अपने मार्केट शेयर को बचा कर रखना है। उन्होंने बताया कि BSNL ने टेस्ट मोड में 4G सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी का फोकस ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर है। BSNL ने एंटी स्पैम सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो स्पैम कॉल्स की पहचान करेगा और उन्हें रोकने में मदद करेगा। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए डायरेक्ट टू डिवाइस कम्युनिकेशन सर्विस और फाइबर बेस्ड इंटरनेट TV सर्विस भी लॉन्च हुई है जो 500 से ज्यादा लाइव चैनल ऑफर करेगी। BSNL ने अपने फाइबर टू द होम यानी FTTH कस्टमर्स के लिए वाईफाई रोमिंग सर्विस का भी ऐलान किया है, यानी ढेर सारी नई सर्विसेज भी BSNL लेकर आई है। वहीं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि अगले साल मध्य तक BSNL के पास 1 लाख 4G साइट्स होंगी और तब तक कुछ साइट्स को 5G में भी अपग्रेड कर लिया जाएगा। BSNL ने खुद का 4G टेलीकॉम स्टैक तैयार किया है जिसे 5G में माइग्रेट किया जा सकता है और अगले साल के मध्य यानी जून जुलाई तक BSNL की 4G सर्विस देश भर में रोल आउट हो सकती है। अभी तक तो यही प्लान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4G सेवा शुरू होने के 6 से 8 महीनों के अंदर BSNL 5G सर्विस भी लॉन्च कर देगी। BSNL की मार्केट हिस्सेदारी जुलाई के अंत में 7.59% थी जो कि मार्केट लीडर जियो के मुकाबले काफी कम है। जियो का जो मार्केट शेयर है वो है 40.68% और वो पहले पायदान पर है, जबकि अगर हम बात करें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तो एयरटेल का मार्केट शेयर है 33.12% और वोडाफोन आइडिया का 18.46%। BSNL की ओर से टैरिफ हाइक नहीं करने के भरोसे और नई नई सर्विसेज लाने से उसे नए ग्राहक जोड़ने में मदद मिल सकती है और इसका खामियाजा जाहिर तौर पर जो दूसरी बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनको उठाना पड़ सकता है।